नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव उत्तराखंड और मैं हूं देवांशु। बीती सोमवार को नई दिल्ली में इंटरैक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने आचार्य बालकृष्ण को सम्मानित किया है। इस सम्मान के बाद उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड की योग शिक्षा पूरी दुनिया में और भी ज्यादा प्रचलित हो जाएगी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हरिद्वार में पतंजलि द्वारा आयुर्वेद के संरक्षण, संवर्धन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सोमवार को नई दिल्ली में इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। इसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को चैंपियंस ऑफ चेज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। विशिष्ट जूरी उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा ने आचार्य बालकृष्ण को इस अवार्ड के लिए चुना था। इस मौके पर फोरम के अध्यक्ष नंदन कुमार झा भी उपस्थित रहे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि योग आयुर्वेद के नाम पर कोई भी सम्मान मिलता है तो वो पतंजलि से जुड़े करोड़ों लोगों की मेहनत का परिणाम है। इन्होंने इस सम्मान को पतंजलि से जुड़े सभी लोगों को समर्पित किया है। यकीनन आयुर्वेद और योग शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य बालकृष्ण ने जो काम किया है वो किसी से कम नहीं है। ये सम्मान बताता है कि आचार्य बालकृष्ण कितने कर्मठ हैं और उनका इस क्षेत्र में कितना रुझान लोगों के लिए लाभदायक है। देखते रहिए लाइव उत्तराखंड और बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार।